हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो सेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉक टेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ओयूटी बायोलॉजी। तो चलो तो स्टार्ट करिबा। ओयूटी बायोलॉजी रो जे मॉक टेस्ट आम कंडक्ट करथिलु 9/8/2020 रे, तो से क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करिबा। ए मॉक टेस्ट रे पडितिबा क्वेश्चन गुडी को मेनली वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखंतु। ओके, मॉक टेस्ट रो फर्स्ट क्वेश्चन, योर मॉक टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन कौन थी ला? ना रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी मन करो रिजर्व फूड मटेरियल होची लैमिनेरियन स्टार्च बा लैमिनेरिन। ओके, सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? नेक्स्ट क्वेश्चन थी ला सी लेट्यूस एल्गी। मेनली सी लेट्यूस एल्गी क्या कहती? ओल्भा। ओके, ओल्भा इज नोन एज सी लेट्यूस। ओके, सेमती नेक्स्ट देख। नेक्स्ट होची देयर इज सिम्बायोटिक एल्गी इन द सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा सिक्रेटरी सेल रे गोटे सिम्बायोटिक अलगल एसोसिएशन देखिए को मिलते जार ना होची जो क्लोरेला। सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट होची इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नेकेड बिकॉज। तो जिम्नोस्पर्म रे ओव्यूलटा नेकेड होता है कहीं ना जिम्नोस्पर्म मान क्षेत्र में ओवरी वॉल एब्सेंट थाए। ओके, तापर नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट होची रूट केप इन मोनोकॉट मेनली फॉर्म बाय। तो मोनोकॉट रे रूट केप केउटी डेवलप होता है ना रूट के फॉर्म बाय कैलिप्रोजेन। ओके, सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हूँ ट्यूनिका कर्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कर्पस थ्योरी आज प्रपोज्ड बाय स्किमिड। ओके, तो ट्यूनिका कर्पस थ्योरी किए देते स्किमिड। तापर नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सिस्टोलिथ समटाइम्स द डिपोजिशन इन द प्लांट सेल आर क्रिस्टल्स ऑफ। मेनली मन रखिब सिस्टोलिथ देते सी सी। तो सी सी मीन्स सी फॉर कैल्शियम एंड सी फॉर कार्बोनेट। तो सिस्टोलिथ रे कैल्शियम कार्बोनेट रो डिपोजिशन होई थाए। तापर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची द टर्म लेप्टोम इज द सिनोनिम्स ऑफ। तो लेप्टोम आउ कहार सिनोनिम्स ना लेप्टोम इज द सिनोनिम्स ऑफ सी एलिमेंट। ओके, सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची एम्फी ब्लास्टुला। ओके, एम्फी ब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ स्कियन। ओके, तो एम्फी ब्लास्टुला कहार लार्वा ना स्कियन रो लार्वा को कहती एम्फी ब्लास्टुला। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची सीडोसिलम मेनली डेवलप फ्रॉम द सीडोसिलम्स मीन्स फॉल सिलम डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसिल। तो ब्लास्टोसिल सीडोसिलम्स डेवलप होता है। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट मीन्स ए नेचुरल पेसमेकर किए तुम्हार एस ए एन। एस ए एन मीन्स साइनो आर्ट्रियल नोड। ओके, जोटा कि आम पेसमेकर ऑफ हार्ट मन रखी। सेमती हिस्टामाइन मेनली सिक्रेटेड बाय हिस्टामाइन मेनली सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन ग्रानुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी इज एप्रोक्सीमेटली। मेनली ह्यूमन ग्रानुलोसाइट डब्ल्यूबीसी रो लाइफ स्पान केते लेस देन 10 डे। ओके, सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट होची ऑर्गन फॉर साउंड प्रोडक्शन इन बर्ड। तो बर्ड रे जे साउंड प्रोडक्शन से करथांती तो सेतिपाई तंकर स्पेसिफिक ऑर्गन थे जार ना होची सिरिंग्स। तो ह्यूमन बीइंग करे लेरिंग्स। ओके, तो बार्ड्स क्षेत्र में सेरिंग्स। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टेरीज एंड वेन। तो मेनली मन रखिब पीएच मेनली आर्टेरीज रे अधिक थाए वेन तुलन रे। तो पीएच इज मोर इन आर्टेरीज एंड लेस इन वेन। ओके, सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची द टर्म हार्मोन मेनली टर्म हार्मोन वाज कॉइंड बाय। तो हार्मोन टर्म होची ईएच स्टार्लिंग जी की हार्मोन टर्म देथिले। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची ब्लड प्रेशर मेनली कंट्रोल बाय। ब्लड प्रेशर कहा द्वारा कंट्रोल होते ना एड्रेनल ग्लैंड। तो ब्लड प्रेशर मेनली कंट्रोल बाय एड्रेनल ग्लैंड। सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट होची डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन मेनली डाइजेशन केटी कंप्लीट होता है आमर इलियम रे। ओके, तो आमर जे डाइजेशन आमर सब जे हुए पाथ हुए रे लास्ट होची आमर इलियम जेटी की आमर डाइजेशन टा कंप्लीटेड होता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ डीएनएस एंड आरएनएस एंजाइम मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। मेनली डीएनएस एंजाइम एंड आरएनएस एंजाइम आम पानक्रिएज रे देखा मिलता है। ओके, तो जेगुड़ी पानक्रिएज रे ही प्रोड्यूस होता। सेमती नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट होची ए कंडीशन ऑफ फेलर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया। तो एन्यूरिया कौन? एन्यूरिया गोटे कंडीशन जे कंडीशन रे किडनी यूरिन फॉर्मेशन करी नथाए। ओके, तो सेटा होची एन्यूरिया कंडीशन। सेमती नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होची बीसीजी। बीसीजी स्टैंड फॉर बीसीजी टीका निया जाए ना नहीं? तो बीसीजी रो फुल फॉर्म होची बैसिलस
Calmette Bacillus Calmette Guerin. ओके Bacillus Calmette Guerin तो जेटा कि BCG फुल फॉर्म सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ ब्लड कैंसर मेनली कॉल्ड ब्लड कैंसर को कौन कौन थी ल्यूकोमिया ओके ल्यूकेमिया सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ द कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस एड्स इज मेनली एड्स को कन्फर्म हाँपाई एड्स है कि ना तो कन्फर्म हाँपाई मेनली गोटे टेस्ट कराए तार ना हूँ वेस्टर्न ब्लोटिंग तुम्हें इंग्लीश लिखनी वेस्टर्न ब्लोटिंग लिख ओके वेस्टर्न ब्लोटिंग हूँ कन्फर्मेटिव टेस्ट देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल व्हिच प्रोटेक्ट द न्यू बर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीजेस मेनली न्यू बर्न बेबी को मेनली कोलेस्ट्रॉल दिया जाए थे कोलेस्ट्रॉल मेनली आमर फास्ट मिल्क ऑफ द मदर मेनली इट इज येलो कलर इन मेनली येलो कलर देखा मिलता है तो एथिरे मेनली एंटीबॉडीज रे IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी देखा मिलता है तो जेटा कि आमर न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो IgA मेनली प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ द मेन फंक्शन ऑफ मामालियन कॉर्पस ल्यूटियम मेनली टू प्रोड्यूस कॉर्पस ल्यूटियम काम हो टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जेटा कि फीमेल हार्मोन जेटा कि सिक्रेट करता है सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी रा लॉन्गेस्ट बोन होची फीमर ओके फीमर सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ कौन सेला टोर्सिका तो सेला टोर्सिका इजे मेनली सेला टोर्सिका कौन ना सेला टोर्सिका इजे डिप्रेशन इन द स्काउल व्हिच लॉर्ज द पिट्यूटरी ग्लैंड तो सेला टोर्सिका गोटे डिप्रेशन जेटा कि आमर स्काउल देखा मिलता है नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नर्व सेल तो गोटे नर्व सेल एक्शन पोटेंशियल हूँ 45 MV ओके मन रख एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल हूँ 45 MV सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ नर्व इंपल्स ट्रावेल्स फास्टर इन केस ऑफ मेडुलेटेड नर्व तो मेडुलेटेड नर्व रे नर्व इंपल्सटा शीघ्र ट्रांसफर होते सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय तो पार्थेनोजेनेसिस टर्म किए देते ओएन OWEN ओएन जी की प्रथम पार्थेनोजेनेसिस टर्म देते सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ व्हेन व्हाट सेल इज टर्जिड तो जिते बड़े गोटे सेल टर्जिड हो मीनस तार डीपीडी मेनली डीपीडी तार जीरो टर्जिड कंडीशन रे मेनली डीपीडी जीरो होता है मीनस डिफ्यूजन प्रेसर डेफिसीट जीरो होता है तो से आमर प्रेशर पोटेंशियल आउ सॉलिड पोटेंशियल इक्वल ही था ओके तो जिते बड़े गोटे सेल टॉर्जिड थाए मन रखिबो से प्रेशर पोटेंशियल मीन साय पी इक्वल टू साय एस सॉलिड पोटेंशियल सहित सामान हम आते डीपीडी टा जीरो हम जदि ऑप्शन दे था डीपीडी जीरो डीपीडी जीरो भी लिखि था सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ द टर्म वाटर पोटेंशियल वाज कॉइन्ड बाय तो वाटर पोटेंशियल टर्म किए देते स्लेटर एंड टलर ओके स्लेटर एंड टलर जे कि आमर स्लेटर एंड टलर जे कि वाटर पोटेंशियल टर्न देते सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ RQ इज लेस देन वन व्वेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज मेनली RQ मीन्स रेस्पिरेसन क्वेश्चेंट मेनली फेट्रे वन रु कम होता है ओके फेट्रे वन रु कम होता है तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म मेनली द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल हूँ एसिटाइल कोआ ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन व्हिच डू नॉट द इलेक्ट्रॉन मेनली टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन मेनली तुम्हें देखिबो साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम A3 इज द टर्मिनल रेस्पिरेटरी चेन व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटा तुम्हें देखिबो केटी ना आमर जितेबले ETS सिस्टम रे देखिबो सेटी देखिबो साइटोक्रोम A3 देखिबो पाइबो जेटा कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं जे कि ऑक्सीजन को सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ इन प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल तो क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल इन प्रोडक्ट हूँ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ओके तो क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड रे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होता है ओके सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ एवेना कर्वेचर इज यूज टू बायोएसे ऑफ मेन एवेना कर्वेचर टेस्ट मेनली यूज फॉर ऑक्सीजन जेटा कि जार एनदर नेम हूँ IAA ओके सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ ट्रीटमेंट ऑफ
seed at low temperature under moist condition to break the dormancy is called stratification. तो stratification कौन ना stratification माध्यम रे कौन करा जाए ना stratification कौन करा जाए ना seed को low temperature treatment करा जाए under moist condition रे आउ तर breakdown तर dormancy को break कराए थे. ओके तो mainly ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मोइस्ट कंडीशन हेले तुम्हें लिखो स्ट्रैटिफिकेशन. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द पिगमेंट व्हिच मेनली अब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड रेडिएशन इन प्लांट्स इज नोन एज. मेनली प्लांट्स मान क्षेत्र में रेड आउ फार रेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने गोटे पिगमेंट थाए तो तार नाँ हूँ फाइटोक्रोम्स. ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ साइंटिस्ट हु फास्ट आइसोलेटेड द साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन वाज फास्ट आइसोलेटेड बाय मिलर जी की प्रथम साइटोकाइनिन को आइसोलेट करते. सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ द टर्म वर्नालाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय. तो वर्नालाइजेशन टर्म किए देते लाइसेनको. ओके लाइसेनको प्रथम जी की वर्नालाइजेशन टर्म देते. सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ एंथेसिस. ओके एंथेसिस इज ए फेनोमेना व्हिच रेफर्स टू. तो एंथेसिस गोटे प्रोसेस मेनली ए प्रोसेस रे कौन हुए ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बोर्ड. फ्लोरल बोर्ड रा ओपनिंग होई थाए तो ए प्रोसेस को कहते एंथेसिस. ओके मन रखिबो. तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल इल वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयारी होबापाई केतेटा टर्न ऑफ केल्विन साइकिल होबा दरकार. तो गोटे टर्न रे गोटे कार्बन रिलीज होई थाए तो आमर ग्लूकोज रे छटा कार्बन थी हेतु केल्विन साइकिल छर टर्न हेले जाए कि आमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होता है. सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन मेनली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आमर ब्लू लाइट रे मैक्सिमम होता है. सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के देखा जाए ना रोडोस्पिरुलियम रे आमे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखिबा को पाइबा. सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ इन फोटोसिस्टम वन द फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आयरन सल्फर प्रोटीन. तो फोटोसिस्टम वन मेनली इनवॉल्व इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रे भाग नहीं थाए. तो एठीरे आमे देखिबा फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीएस वन रु प्रथम जो इलेक्ट्रॉनटा एक्सेप्टेड हुए तो सेटा जाए कि प्रथम किए एक्सेप्ट करे ना आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एफईएस कॉम्प्लेक्स. ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किए दे ब्लैकमैन. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन आर नॉन एज यूरी हालाइन. ओके यूरी हालाइन क्या कहुआ ना जो मैंने वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर पार्थे तो से ऑर्गेनिज्म को कहते यूरी हालाइन्स. नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ व्हिच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास. तो मैक्सिमम बायोमास फाउंड इन योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे मैक्सिमम बायोमास देखा मिलता है. सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ इन ओपुंसिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय. ओपुंसिया रे आमर फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आमर फाइलोक्लेड द्वारा होता है. ओके से गुड़िक लिप गुड़िक मॉडिफाई होता है फाइलोक्लेड आकर परिणत होता है. नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टामेन मेनली फाउंड इन. तो मन रखिब सिनजेनेसियस स्टामेन केट देखा मिलता है एस्टिरासी आम सिनजेनेसियस स्टामेन देखा पाइबा. तो सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टामेन फाउंड इन एस्टिरासी. ओके सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ मार्जिनल प्लासेंटेसन इज जनरली फाउंड इन द फैमिली. तो मार्जिनल प्लासेंटेसन आमर लेगुमिनासी आम मार्जिनल प्लासेंटेसन देखा पाइबा. तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द टिलोमियर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सिक्वेंस ऑफ मेनली टिलोमियर्स ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. टिलोमियर्स मीन्स माने लास्ट एंड रे क्रोमोसोम लास्ट एंड को कहते टिलोमियर्स रीजन. तो से मेनली गुआनिन रिच रिपीटिव सिक्वेंस देखा मिलता है. तो से गुआनिन रिच रिपीटिव सिक्वेंस देखा पाइबा टिलोमियर्स रीजन रे. सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ इन आरएनए द थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय मेनली आरएनए रे थायमिन बदल रे कौन थाए ना यूरासिल थाए. तो डीएनए रे थायमिन थाए आउ आरएनए रे हमें यूरासिल देखा पाइबा. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक. तो हाइड्रोपोनिक होची सॉइल मैंने सॉल्यूशन कल्चर ताकू कहते.
दबा न्यूट्रिएंट कल्चर कहते हैं कौन करा जाए ना प्लांट्स मानक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मध्ये ग्रो करा जाए इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल सॉइल रो एब्सेंस रे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे ग्रो करबा टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ प्रीमेच्योर लीफ फॉल मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रीमेच्योर लीफ फॉल कौन पाई था ड्यू टू द फास्फोरस डेफिशिएंसी रु प्रीमेच्योर लीफ फॉल देखा मिलता है। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ रिक्लाइमेशन एंड लिटिल लीफ डिजीज मेनली कौन पाई होता है तो रिक्लाइमेशन डिजीज आमर मन रख रिक्लाइमेशन डिजीज होते तुम्हें से कपर डेफिशिएंसी रही था आउ लिटिल लीफ डिजीज कथा कहले तुम्हें भाव मन रखा हूँ जिंक तो जिंक रो डेफिशिएंसी रु लिटिल लीफ डिजीज होता है आउ रिक्लाइमेशन डिजीज होची तुम कपर रो डेफिशिएंसी रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन स्ट्रेप्टोमाइसिन मेनली ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन आम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस रु मिलता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस रु आम स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन करथाउ सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जियोलॉजिकली वन ऑफ द फॉलोइंग इरा इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स। ओके तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स और गोल्डन एज ऑफ डायनासोर क्या कहते ना मेजोजोइक इरा तो मेजोजोइक इरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स और गोल्डन एज ऑफ डायनासोर कहा जाए। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची यूट्रोफिकेशन। ओके यूट्रोफिकेशन माने कौन ना यूट्रोफिकेशन माने होची हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बा जदि हमर एक्वेटिक सिस्टम रे हमर हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू थिबो ताले ताकु कह जिवो यूट्रोफिकेशन। ओके सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट होची गंगा एक्शन प्लान फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन इन गंगा इज स्टार्टेड इन तो गंगा एक्शन प्लान मेनली आमर गंगार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने स्टार्ट होता के 1985 मन रख 1985 गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पेनफुल स्केलेटल डीफॉर्मेलिटी मेनली कौन कहते इटाइटा डिजीज तो पेनफुल स्केलेटल डीफॉर्मेलिटी को कहते इटाइटा डिजीज मेनली इट इज कॉज्ड ड्यू टू कैडमियम तो कैडमियम आमर इटाइट डिजीज होता है मन रखी सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरनमेंट तो ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म मीन्स कम्युनिटी कम्युनिटी इकोलोजी को कहते सीन इकोलोजी। ओके तो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विषय स्टडी करने को कहते सीन इकोलोजी। ओके सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ एनपीपी एनपीपी फुल फॉर्म कौन एनपीपी फुल फॉर्म हूँ आमर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला होची नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होची ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट। सेमती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट होची हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल तो सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल किए कही ना भिडचो। ओके तो भिडचो जी की कहते सेल्स आर एराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हु गेव द लामेलर और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किए देते डानियल एंडेवसन। ओके डानियल एंडेवसन जी की सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन देते तो आशा करूँ वीडियो सेक्शन टी आपको इनफॉर्मेटिव होती है प्लीज लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।